नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हीरा योगी और आज मैं आपको ऐसा प्राणायाम सिखाऊंगा, अगर आपको रहता है अवसाद, डिप्रेशन या एंजाइटी, या आपको रहती है साइनस की प्रॉब्लम, या आपके रहते हैं कमर में दर्द, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको स्वस्थ रख सकती है और कैसे आप पूरे दिन रिलैक्स फील कर सकते हो। गर्मी का सीज़न आ गया है, सर दर्द की समस्या है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे कैसे मुक्ति पाएंगे। हमारे आयुर्वेद में महर्षि पतंजलि ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं और उसमें एक प्राणायाम है जो आज मैं आपके साथ करूँगा शेयर। इसका नाम क्या है? चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी का मतलब चांद से क्या होता है? ठंडा। क्या होता है जी? ठंडा। चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको करना है एक छोटा सा काम। आपके पास उल्टी नासिका है? उल्टी नासिका है ना, उल्टा छेद नाक का। अपने राइट नोस्टल को बंद कर लो। राइट होता है सूर्य और लेफ्ट होता है चंद्रा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। तो आप लोग अपने राइट वाले को बंद कर लेंगे और लेफ्ट वाले से श्वास लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, यानी चंद्रभेदी प्राणायाम में आप उल्टी नासिका से श्वास भरेंगे और सीधी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। सांस भरने की प्रक्रिया को पूरक बोलते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं रेचक। इस प्राणायाम को सुबह दोपहर शाम करना चाहिए 10 times, जो इनिशियल साधक होते हैं, क्योंकि आप सब नए हो, तो 10 बार आप सुबह, दोपहर और शाम को कर सकते हैं। इसको करने से आपका मन रहेगा शांत, मन में आ रहे हैं विचार वो रहेंगे शांत। तो कैसे करना है? उल्टी नासिका से लेना है और सीधी नासिका से क्या करना है? छोड़ना है। ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। आज हमने सीखा था चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम जिन लोगों को ऐसे ज़्यादा बनता है, पित्त ज़्यादा बनता है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है जिनका पित्त ज़्यादा भर जाता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम वो लोग जरूर करें जिनको एसिड रिफ्लेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और एसिड नहीं होगा तो आपके शरीर के जो त्वचा रोग हैं ये आपको नहीं आएंगे। तो चंद्रभेदी प्राणायाम लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, सुबह 10 बार, शाम को 10 बार और दोपहर में 10 बार। इसको करने से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और आपका एसिड हो जाएगा ख़त्म। इस प्राणायाम को करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है, गुस्सा नहीं आता। जो आप गुस्सा बच्चों पे करते हो, अपने भी करते हो, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। कर लिया तो बस यही होता है चंद्रभेदी प्राणायाम, और आप इसको करें सुबह दोपहर शाम और रहे खुशहाल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए अभी पोज करते भाई।